बंगाल मोर्चा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चार कुख्यात डकैतों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से लूट के लाखों रुपए के सामान सहित पुलिस को गिरोह के पास से देसी तमंचा कारतूस लोहे के औजार बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि चारों डकैती की गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब डकैती की योजना बनाते हुए मरौनी सब स्टेशन के पास बेड़ा में आने जाने वाली वाहन में राहगीरों को लूटने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना के आधार पर घेराबंदी कर सभी डकैतों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है, जिसमें चार सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मौके से तीन सदस्य फरार हो गए हैं जिनकी तलाश की जा रही है। गिरफ्तार हुए आरोपी राजन कुमार प्रजापति, दीपक पानिका, वीरेंद्र कुमार, उमेश कुमार निवासी मरौनी के रहने वाले हैं। पुलिस पूछताछ में उन्होंने बताया कि 7 मई को निखिल चौरसिया के कैंप में आधा दर्जन ट्रकों की गड्डी चोरी की। वहीं आतंक को अरविंद दुबे के महेंद्र सर्विस सेंटर से 150 लीटर डीजल चोरी करना कबूला है। मौके से 70 लीटर डीजल बरामद किया गया है। उक्त कार्रवाई में टीआई अनूप सिंह ठाकुर, एएसआई सतीश प्रधान, आरक्षक राजवर्धन सिंह, जयराम गुप्ता, आरक्षक विद्या बहादुर सिंह, सुनील मिश्रा सहित गठित टीम के अन्य सदस्य मौजूद रहे। चंदौली से ग्राउंड रिपोर्टर उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।